इस वक्त मैं गिरिडीह जिले के जमगा विधानसभा क्षेत्र के नेकपुरा और देरी मुख मार्ग पर उपस्थित हूं और हमारे साथ देख सकते हैं यहां पे दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद है और हम इसलिए यहां पे आए हुए हैं। यहां के जो रोड की स्थिति है वो साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रोड की क्या स्थिति है। आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही इधर से लगभग स्कूल की गाड़ियां लगभग जो है 120 से 25 पर डे वो गाड़ी आना जाना करती है, साथ ही इसमें दिन भर गाड़ियों की जो है सो आना जाना लगा रहता है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों का मांग है कि हम लोगों की जो रोड की यह समस्या है इससे हम लोगों को निजात मिले। तो आइए हम यहाँ कुछ ग्रामीण हैं इन लोगों से बात करते हैं और अधिक समझने के प्रयास करते हैं कि जो रोड की समस्या है कब से लोग झेल रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है रोड को लेकर? क्या बहुत बच्चे स्कूल से जाती है, यहाँ से बच्चे सब गिर जाती है, गाड़ी जाता है, बाइक वाइक सब गिर जाता है, बहुत लोग महिलाएं लोग सब गिर जाती है, स्कूल का बच्चा भी जाता है, वो भी मतलब गाड़ी इधर से पलटी भी मार दिया था एक बार। अच्छा, और बहुत दिक्कत है। अच्छा, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करता हूँ कि रोड अच्छा बन जाए हमारा। को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सड़क है नेकपुरा से देवरी जाने के लिए मुख्य मार्ग है, यहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ डेली आती जाती है और आप जानते हैं कि मुख्यालय देवरी मुख्यालय को जोड़ने वाले ये मुख्य मार्ग है, तो यहाँ से हज़ारों लोग आते जाते हैं और लोग तो आते जाते हैं, साथ ही साथ इस रास्ते से बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं जो खरगडिहा में मिर्जागंज या तो जमुआ के लिए जाती है और स्कूल की बसें होती है उसमें बच्चे भरे हुए रहते हैं। कितनी बार यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है ये तो आप ग्रामीण ही बता रहे हैं कि इनके सामने कितने सारे एक्सीडेंट हुए, खासकर बच्चियों को जब तकलीफ होती है और बरसात में तो ये पता ही नहीं चलता कि रोड है, उस कारण से जब कभी महिलाएं इधर से गुजर रही होती तो महिलाएं दो तीन बार गिर गई है। तो मुझे इसकी लगातार शिकायत मिली है और मैं इनका बार बार आवाज़ उठाया हूँ कि इस रोड को बनाया जाए, इस रोड को विनिर्माण फिर से किया जाए। आप देखे होंगे कि रोड बनता नहीं कि टूट जाता है, 2019 में ही इसका एक बार निर्माण हुआ था, उसके बाद बनने के साथ ही अगले ही एक साल भी नहीं चला कि रोड टूट गया। तो आखिर बनाने वाले कौन लोग हैं ये? तो विधायक यहाँ का स्थानीय विधायक केदार हाजरा जी, उनको सोचना चाहिए कि इस रास्ते को सुदृढ़ करें, नहीं तो यहाँ के महिलाएं यहाँ के बच्चों को जो तकलीफ हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। आप सिर्फ वोट के दिन वोट लेने के लिए आते हैं लेकिन रोड कौन बनाएगा फिर? सरकार अधिकारियों से क्या मांग है? मैं अधिकारियों से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द इस रोड को, इस यहाँ के लोगों का जो तकलीफ है उसको देखे और उसकी समस्याओं को सुने और जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए, नहीं तो ऐसे तो ग्रामीण को परेशानी होता है, ग्रामीण के साथ साथ खासकर महिलाओं को परेशानी होती है, आते जाते महिलाएँ कितनी बार गिर गई है, बच्चे पढ़ने वाले बच्चे जो जाते हैं वो गिर जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ एक दो बार एक्सीडेंट हुआ, एक दो बार न्यूज़ में भी आया है कि यहाँ पर बच्चे एक्सीडेंट हो गए, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को तकलीफ होती है। हम लोग तो चलो किसी तरह मैनेज करते हैं लेकिन स्कूल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं डेली वो उसको उनको परेशानी होती है, महिलाओं को परेशानी होती है। तो इस पे सरकार को साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय विधायक को, स्थानीय जो एमपी हैं अन्नपूर्णा देवी जी, उनको सोचना चाहिए क्या दिक्कत हो रहा है। रोड देवरी और नेकपुरा जोड़ने वाली मेन रोड है ये, इसमें जो सो रोड का स्थिति काफ़ी दयनीय है, इसमें पब्लिक को आने जाने में एवं स्टूडेंट को आने जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। कभी काल ऐसा हुआ है जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जिसमें किसी लोगों का पैर हाथ भी जख्मी हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या मांग करते हैं कि सरकार से ही रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। क्या नाम है? एमडी कलाम। पर डे आना जाना इस रास्ते से होता? जी, पर डे आना जाना। कहाँ से आते हैं और कहाँ तक जाते हैं? घोसे से डिस्कवरी पब्लिक मिर्जा को लेकर के जाते हैं, बच्चों को लेकर। इस रोड से आप लोगों को कितने परेशानी? अब परेशानी तो सर सामने नजर आ रहा है, अब बहुत ज़्यादा परेशानी। अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशानी, थोड़ा बहुत परेशानी नहीं है। कभी ऐसा होता होगा कि दुर्घटना भी? हाँ, कभी भी हो सकता है। आए दिन गाड़ी कुछ ना कुछ टूटते फूटते रहता है, रोड इतना अच्छा है कि आप देखिए रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। सरकार अधिकारियों से क्या मांग है टोटल? अब सबसे पहला बात जो है, जहाँ खराब है उसको कम से कम सही से बनवाया जाए ताकि आम पब्लिक को आने जाने में जो तकलीफ है वो तकलीफ नहीं हो। तो इस प्रकार से ग्रामीणों को आने जाने में यहाँ असुविधा हो रही है, साथ ही यहाँ के जो राहगीर है उन लोगों को भी असुविधा हो रही है रास्ते से आने जाने के लिए और यह एक दुर्घटना का केंद्र बना हुआ है और आप सब विजुअल में देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का मांग है कि इस रोड का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। गिरिडीह से बायसस्कोप के लिए मैं पंचानंद राय।